हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि मैं आया हूँ आनंद भवन, तो ये आनंद भवन का गेट है। मैं आनंद भवन का आज एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। तो वहाँ से आप अंदर घुसेंगे छोटे वाले से गेट से, यहाँ पे आएंगे, यहाँ टिकट मिलता है। यहाँ आप टिकट लेंगे, एक 30 रुपये टिकट का वो है। फिर यहाँ से एंट्री लेंगे। आप ये देखिए, आज बहुत दूर दूर से लोग आए हुए, पास से दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जो है उनकी पूरी यहाँ पे हिस्ट्री, 1927 में इसका निर्माण किया गया था। देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, पूरा पत्थर में शिलालेख करके दिया गया है। और यहाँ से होती है शुरुआत रास्ते की। यहाँ से आप आगे चलेंगे, थोड़ा दूर का रास्ता है, तो मैं रास्ता कवर कर लेता हूँ, तो फिर मैं आगे चल के वहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ कि किस टाइप से म्यूजियम है, संग्रहालय है। तो इस ब्लॉग बहुत बढ़िया होने वाला है, काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है। जो जो यहाँ पे घूमने आ सकता है तो आएगा अपना। मैं यहाँ पे लोकेशन डाल दूँगा इस वीडियो में, लोकेशन से आप यहाँ के पूरा टूर कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। ये जो संग्रहालय है, ये नेहरू जी का पूरी यहाँ फैमिली रहती थी, उन्हीं का ये पूरा संग बनाया गया है। यहीं पर उनका पूरा मतलब फैमिली का यहाँ पर उनका स्मृति रखा गया है, मतलब रहना खाना पीना जो यूज करते थे अपना, यहाँ पे रखा गया उनका। मैं यहाँ से चल रहा हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ इस तरह का। यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, देखिए मैं यहाँ से पास से दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। इधर से चित्र लेना ना है, यहाँ पे लिखा गया है। फिर यहाँ से रास्ता शुरू होता है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। यहाँ से देखिए, ये पहला गेट है, मोतीलाल नेहरू का अध्ययन कक्ष है ये। यहाँ पे नेहरू जी जो होते थे यहाँ पे अध्ययन करते थे, ग्रुप स्टडी करते थे, उनका लाइब्रेरी है ना यहाँ पे, मतलब उनका बेडरूम है यहाँ पे। तो ये यहाँ से ये कुछ इस तरह का है, यहाँ पे उनका चेयर है, ये बेडरूम है जो कि यहाँ पे अपना आराम करते थे। वहाँ पर पढ़ने का थोड़ा से टाइम में, थोड़े टाइम में के लिए। तो फिर यहाँ से भी एग्जिट में होता हूँ। आज मैं वन बाय वन दिखाता चाहूँगा आप लोग को, और जो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है उनके कपड़े रखे गए हैं। यहाँ पर अपना था फिरोज़ गांधी जी का यहाँ पे विवाह संपन्न हुआ था, यहाँ उनकी शादी हुई थी। और फिर मैं आगे चलता हूँ। और ये जो है यहाँ मतलब उनकी पत्नी रहती थी स्वरूप रानी। ये देखिए उनका बेडरूम है, देखने को मिलेगा। यहाँ पे उनका टेबल है, शीशा है, उधर अंग इधर बक्सा वक्सा पूरा रखा गया, वो देखिए आप देखने को मिलेंगे। और यहाँ जो है उनका किचन है, जो कि यहाँ पे खाना पीना स्टोर करते थे, भोजन थाली हर एक चीज़ हो रहता था यहाँ पे, उनका स्टोर होता था, यहाँ पे रखा जाता था बर्तन वर्तन। और फिर मैं यहाँ से आगे निकल रहा हूँ, कोशिश करूँगा पूरा कि मैं एक्सप्लोर करा पाऊँ जो जो चीज़ यहाँ पे है। और फिर यहाँ से इनको देखने को मिलेगा आप लोग को, ये उनका डाइनिंग टेबल है, जो कि यहाँ पे फैमिली के साथ बैठ के खाना पीना खाते थे। तो ये देखिए काफ़ी बड़े में है, जितनी फैमिली रहती थी वो अपना आके यहाँ पे बैठ के खाना पीना खाते थे। फिर यहाँ उनका गेस्ट रूम है, यहाँ से यहाँ पे बैठक मतलब सभी मतलब जितने होते थे अपना यहाँ पे विचार होते थे, बैठक होती थी। फिर मैं यहाँ पर बैठ उठ के अपना, और यहाँ पर एक बरामदा है, देख सकते हैं काफ़ी उस समय का पंखा, सोचिए उस समय कितनी बिजली ये खींचता होगा, क्योंकि उसमें उतना टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उससे कम बिजली में उतना अच्छा हो दिया जाए। उस समय का ये पंखा शुरुआत में है। और इधर जो पर्दे हैं पूरे, ये जो है लकड़ी के ही हैं पर्दे हैं, देखने को मिलेगा आपको। कि जहाँ पे पूरा बुक वुक है वहाँ पे स्टोर करके रखा गया, मैं वो दिखाने वाला हूँ। तो ये है लाइब्रेरी उनकी, यहाँ पर सारा बुक है पढ़ना। तो ये रहा, देख सकते हैं अच्छा, क्योंकि म्यूजियम के तौर पे रखा गया है।
जो कि काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, ये सब देखने को मिलेगा। आप भी आ सकते हैं यहाँ पे, 30 रुपये प्रति टिकट है एक व्यक्ति का, जो कि बाहर बाहर आपको दिखाया जाएगा। यह इंदिरा और फिरोज जी हैं जिनकी शादी हुई थी, और मैं चलता हूँ अंदर। इधर भी हैं, आनंद भवन का इतिहास है पूरा इसमें, जो ये भवन बना है उसका पूरा इतिहास इसमें रखा गया। देखिए यहाँ पे बैठे हुए सब कुछ है, और यहाँ से एक और यहाँ पे देखिए, जब उस समय हमारे ये जेल का था, यहाँ पे कैसे रहते थे, कैसे आज़ादी दिलाई उन्होंने सब मिलके, यहाँ पे पूरा है। और इधर है नैनी सेंट्रल जेल, इलाहाबाद का जवाहरलाल नेहरू सेंट्रल जेल है, जो वहाँ पे अभी नैनी में बना हुआ है। कब बना हुआ था, कब इसका हुआ है, पूरा इसमें दिया गया है इसमें पूरा। और इधर भी है कमला नेहरू स्वरूप रानी और मोतीलाल नेहरू, तो जो देखते होंगे अभी अस्पताल है स्वरूप रानी के नाम से रखा गया है, और जो मेडिकल कॉलेज है कमला नेहरू है मोतीलाल नेहरू के नाम से भी है। और इधर देखिए उनकी फैमिली, और इधर भी इधर लाहौर कांग्रेस लाहौर के समय का है। इधर ये इलाहाबाद संगम में नहाने का बहुत पहले से प्रचलन है संगम नहाने का, यहाँ उनकी माता जी हैं। ऐसे ही पूरी हिस्ट्री लगाई गई है उनकी, ऐसा आप टिकट यहाँ पे अफोर्ड कर पाए। और जो है वो तारा मंडल है, वहाँ पे पूरा ब्रह्मांड का चित्र दिखाया गया है। तो जैसे कि मैं चल रहा हूँ बाहर के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी आज की, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे आप लोग के पास। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय बाय।